हेलो। सो प्रीलिम्स एग्जाम इज अप्रोचिंग और आप लोग बहुत टेंशन में हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं चार मिस्टेक जो आप करने वाले हैं या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सर सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, सर स्ट्रेस हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर बहुत सारी चीजें इमोशंस के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं आप लोग। ये पेंडिंग पड़ा हुआ है सर, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, व्हाट ऑल लाइक एवरीथिंग यू आर गोइंग थ्रू, एग्जाम छोड़ने का मन कर रहा है। एग्रीड? इफ यस देन क्लिक लाइक इन द कमेंट एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और अभी देखिए मैं आपको चार मिस्टेक्स बताने वाला हूं और प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं, वी आर ट्राइंग टू रिवाइज एवरीथिंग, हमें लगता है कि पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। नहीं, आई ऑलवेज टेल टू माई स्टूडेंट्स कि अपने रिविजन नोट्स बनाइए, और लास्ट वीक तो सिर्फ रिविजन नोट्स के ही हैं। अब रिविजन नोट्स के अंदर अब क्या है? रिविजन नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके जो वीक एरियाज हैं वो हैं, सिर्फ वो सिर्फ वही एरियाज हैं जहां पर आप डिफिकल्टी फेस करते हैं। आप उसको करके जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वही कॉन्फिडेंस से आपका एग्जाम क्लियर होगा। आप अगर सब कुछ रिवाइज करने लग जाएंगे तो इट विल बिकम इनसरमाउंटेबल, ओवरवेलमिंग हो जाएगा आपके लिए, जो कि सच नहीं है। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए और सिर्फ अपने वीक एरियाज, डिफिकल्ट एरियाज पे ट्रैप कीजिए। डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर टू, लॉट ऑफ स्टूडेंट दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग न्यू टेस्ट पेपर। वो क्या करते हैं, फुल मॉक पेपर्स फिर से नए ले आते हैं और कहते हैं कि देखिए अब तो मैं पूरे साल पढ़ा हूं, अभी एग्जाम से 4 दिन पहले मैं टेस्ट कर लेता हूं अपने आप को। नहीं, ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि जब आप नए प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ जाहिर सी बातें आपसे मिस्टेक्स होंगी, और वो मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप वापस से अगर बुक्स खोलेंगे, वापस से अगर आप नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो आपकी जो पुरानी स्ट्रेटजी वो डीरेल हो सकती है, आपकी नर्वसनेस बढ़ सकती है। तो लास्ट मोमेंट पे कोई नया टेस्ट प्रैक्टिस मत कीजिए। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड टेस्ट्स हैं उसके आंसर्स को रिवाइज कीजिए, और बेस्ट रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो कोई नया टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रीवियस ईयर करना है या फिर ओल्ड पेपर के एक्सप्लेनेशंस को आपको देखना है। ओके, थर्ड मिस्टेक इज रिकॉलिंग वर्सेस रिवाइजिंग। सो ये क्या है, नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप जब रिवाइज करेंगे तो फर्स्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू रिकॉल आपने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है। बट लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम आई विल डिफर, यहां पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा प्रीवियस प्रैक्टिस से। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा आपको कि अब आप रिकॉल करना बंद कर दीजिए, डोंट टेस्ट योरसेल्फ। अभी आप क्या करेंगे, रिवीजन रजिस्टर को या आपके जो भी नोट्स हैं आप उसको ओपन करेंगे और आप उसको रिवाइज करेंगे, वहीं से रिवाइज करेंगे, अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट करने जाएंगे कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे, आपकी नर्वसनेस बढ़ेगी, आप डीरेल हो जाएंगे। सो डोंट ट्राई टू रिकॉल, रादर यू शुड रिवाइज, रिवाइज द कंटेंट दैट इज इन योर हैंड। आपके जो करंट अफेयर्स है, जो भी आपके वीक एरियाज है, उसको आपको पढ़ना है नोट से। अभी रिकॉल करने की कोशिश मत कीजिए, वो गलती मत कीजिए, ठीक है। और प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन है, अगर आपने कोई कंटेंट 5 बार अपनी आंखों के सामने से निकाला है तो आप एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे। ये टेस्ट ऑफ रिकॉल नहीं, आई मीन ये टेस्ट ऑफ रिकॉल नहीं है कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट लिखना है। मेंस एग्जाम में वो होता है, प्रीलिम्स में वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड मिस्टेक थी। मिस्टेक नंबर फोर्थ जो आप कर सकते हैं कि एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले यानी कि सैटरडे को आप एकदम फुल टाइट शेड्यूल रखेंगे कि सर कल एग्जाम है और आज मेरा बेस्ट डे होने वाला है पढ़ने का, आज तो मैं पूरा रिवाइज करके जाऊंगा, एकदम पूरा टाइट शेड्यूल, एक एक मिनट का शेड्यूल बना के रखा हुआ है। नो नो नो, आई एम शेयरिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि सैटरडे को एकदम फ्री रखिए, कोई टारगेट मत रखिए, आप सोना है सोइए, आपको जो करना है कीजिए, बट कोई टारगेट मत रखिए, टारगेट मत रखिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टडी मत कीजिए, आप स्टडी कीजिए बट विदाउट एनी टारगेट, गिव योर सेल्फ फ्रीडम, और वो फ्रीडम से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में जब फ्रीडम फ्री माइंड से जाएंगे आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जो अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर सकते। कॉमन सेंस का यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही चीज आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, अकेली ये चीज। तो सैटरडे को कोई टारगेट नहीं रखना है, रेस्ट करना है और आपको उसके साथ जाना है। और इसके बाद मैं आपको एक लास्ट मैजिक टिप देना चाहता हूं अपनी तरफ से,
आई जस्ट वॉन्ट टू से वन स्टेटमेंट टू यू, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं. आज से लेकर के एग्जाम तक आप एक भी मिनट नहीं पढ़ेंगे ना, तब भी आपके एग्जाम का रिजल्ट चेंज होने वाला नहीं है. तो जस्ट बिलीव मी, अब से लेकर के एग्जाम में जो भी आप पढ़ेंगे वो बोनस है. तो उसको आप अबंडेंस की तरह लेके चलिए कि देखिए सर, मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं, अभी जो भी मैं पढ़ूंगा वो बोनस है. तो अबंडेंस की तरफ देखिए कि मुझे बोनस मिल रहा है, अभी चार दिन मेरे बचे हुए हैं तो मुझे बोनस की तरह उसको यूज करना है. स्कार्सिटी की तरफ मत देखिए कि सर सिर्फ चार दिन बचे हैं. देखिए समय उतना ही है, लेकिन आप उसको आप अपने नजरिए से चेंज कर सकते हैं कि मेरे पास तो चार दिन है, बोनस है, एक्स्ट्रा है. या फिर सर मेरे पास तो चार दिन है, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दैट. तो चॉइस आपकी है. सो विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई विल कम अप विद अनदर वीडियो वेयर आई विल टेल यू हाउ टू परफॉर्म बेटर ऑन द डी डे, एग्जाम डे पे. ऑल द बेस्ट.